गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज साइंस क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 8। द नेम ऑफ द चैप्टर इज साउंड। साउंड वर्ड आपने बेटा बहुत बार सुना होगा। साउंड का मतलब आवाज़ होता है। सो इस चैप्टर में हम साउंड के बारे में पढ़ेंगे कि साउंड बनती कैसी है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। सो वी आर बिगनिंग विद द न्यू वर्ड्स। फर्स्ट न्यू वर्ड इज़ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन मीन्स अ कंटिन्यूस टू एंड फ्रॉम मोमेंट, आइदर अप एंड डाउन और बैक एंड फोर्थ। जो कंटिन्यूस मूवमेंट होती है आगे पीछे या ऊपर नीचे, उसको वाइब्रेशन बोलते हैं। वेव्स पैटर्न विच लाइट और साउंड मूव्स। किस तरह से कोई लाइट और साउंड मूव करती है उसको बोलते हैं पैटर्न। इको होता है द बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड। जब आप कहीं खाली जगह पे आवाज़ लगाते हो और वो है आपका आवाज़ वापस सुनते हो, उसको बोलते हैं इको। वैक्यूम अ स्पेस दैट इज एम्प्टी ऑफ ऑल द सब्सटेंस इंक्लूडिंग एयर। एक ऐसी जगह जहाँ पर कुछ भी नहीं होता, इवन हवा भी नहीं होती, उसको बोलते हैं वैक्यूम। नॉइज़ क्या होता है? अ लाउड अनप्लीजेंट एंड डिस्टर्बिंग साउंड। जो साउंड हमें डिस्टर्ब करती है उसको बोलते हैं हम नॉइज़, मतलब शोर है। मीडियम अ सब्सटेंस थ्रू विच समथिंग ट्रेवल्स और इन विच इट एग्जिस्ट या ग्रोज। मीडियम एक मतलब ऐसी चीज़ होती है जिससे कि कोई चीज़ ट्रेवल करती है। लाइक हम घर से स्कूल या स्कूल से घर आते हैं, बाय बस आते हैं, तो बस एक मीडियम है। ऑडिबल दैट कैन बी हर्ड प्रॉपरली। ऑडिबल वो साउंड होती है जो हमें प्रॉपरली सुनाई दे। डिसऑर्डर समथिंग दैट लैक्स ऑर्डर और कंट्रोल। ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें ऑर्डर और कंट्रोल की कमी है उसको बोलते हैं डिसऑर्डर। हारमोनियस बहुत शांति और पीस प्लेजेंट जो हमारी साउंड होती है उसको बोलते हैं हारमोनियस। नाउ कम ऑन टू पेज नंबर 101। हियर द टॉपिक इज साउंड। यू हर मैनी साउंड अराउंड यू। हम अपने आसपास बहुत सारी साउंड सुनते हैं। सम आर सूदिंग, सम आर डिस्टर्बिंग, सम आर सॉफ्ट एंड सम आर लाउड। कुछ अच्छी होती हैं, कुछ डिस्टर्ब करने वाली होती हैं, कुछ सॉफ्ट होती हैं, कुछ बहुत ज़्यादा लाउड होती हैं। मोस्ट ऑफ आर फंक्शन यूर फंक्शन प्रोड्यूस सम काइंड ऑफ साउंड। कुछ हमारे एक्शंस या तुम्हारे एक्शन बेटा आपके कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जिनसे साउंड प्रोड्यूस होती है। लाइक हम जब बोलते हैं, लाफिंग करते हैं, सिंगिंग करते हैं, लिखते हैं, अपना पेन नीचे रखते हैं या विसल बजाते हैं, तब भी साउंड प्रोड्यूस होती है। अब यहाँ पर एक डू एंड डॉक्यूमेंट में एक्टिविटी, इसमें आपने अलग अलग साउंड्स को सुनना है और क्लासीफाई करना है कि उसमें से कौन सी क्लियर है, कौन सी अनक्लियर है, कौन सी सॉफ्ट है, कौन सी लाउड है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस। साउंड बनती कैसे है। यू हैव स्टडीज अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी। साउंड इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट प्रोड्यूस व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट और टू और मूव्स इन अ टू एंड फ्रो और अप एंड डाउन मूवमेंट। साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो बनती है किसी चीज़ की वाइब्रेशन होने से, या जब कोई चीज़ अप एंड डाउन और टू एंड फ्रो मतलब आगे और पीछे मूव करती है। लेट्स फाउंड आउट हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड। अब इसके लिए आपको एक एक्टिविटी करनी होगी। आपने इसके लिए एक रबर बैंड, टू पेंसिल बॉक्स और एक दो पेंसिल्स चाहिए। आपने इस तरह से जिस तरह डायग्राम में दे रखे इस तरह से अपने ज्योमेट्री बॉक्स के ऊपर रबर बैंड को स्ट्रेच करना है और टू पेंसिल्स को उसमें स्टक करना है। अब आप रबर बैंड को हल्के से आपने प्लग करना है। प्लग का मतलब उसको फिंगर लगा के उसको रिमूव कर लेनी है अपनी फिंगर, ठीक है। तो अब आपने उसके साउंड सुननी है, फिर उसके बाद आपने दोबारा करना है ज़्यादा फोर्स के साथ, फिर उसके साउंड सुननी है। अब लास्ट में आपने छोड़ देनी है प्लगिंग करनी। तो बेटा क्या होगा कि वैन द स्ट्रेच रबर बैंड इज़ प्लग्ड विद फिंगर। जब हमने इसको फिंगर से प्लग किया तो उसमें वाइब्रेशन हुई और एक फेंट ह्यूमिंग साउंड प्रोड्यूस हुई। और जब हमने वाइब्रेशन को स्टॉप कर दिया था साउंड ऑल्सो स्टॉप, तो साउंड भी बंद हो गया। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो गिटार और सितार, वो भी इसी तरह से म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं। उनमें भी वायर्स लगी होती है जिनको हम प्लग करते हैं और साउंड प्रोड्यूस होती है। वाइब्रेशन क्रिएट साउंड वेव्स अराउंड द ऑब्जेक्ट दैट वाइब्रेट्स। वाइब्रेशन से क्या होता है, हम जिस जगह पर वाइब्रेशन हुई उसके आसपास वाइब्रेशन से साउंड वेव्स बन जाती है। फॉर एग्जांपल व्हेन यू क्लैप और बैंग ऑन द टेबल। जब हम टेबल पे क्लैप या बैंग करते हैं और इवन इन स्पीक करते हैं, अवर एक्शंस कॉज वाइब्रेशन इन द एयर अराउंड अस। तो हमारे एक्शन से हमारे हवा के आसपास वाइब्रेशन हो जाती है। इस वाइब्रेशन से पार्टिकल शेक होते हैं। दिस इन टर्न्स मूव द पार्टिकल्स नेक्स्ट टू देम एंड सो ऑन। तो फिर ये वाइब्रेशन आगे वाले पार्टिकल्स में पास होती है, फिर आगे वाले पार्टिकल्स में पास होती है एंड फाइनली कॉज द एयर पार्टिकल्स टू इन आवर ईयर एंड ऑल्सो टू मूव। तो फाइनली ये धीरे धीरे हमारे कानों तक पहुँच जाती है। देखो पहले क्लैप हुई तो साउंड वेव्स बनी, हमारे ईयर्स तक गई, ईयर से ब्रेन तक गई, ब्रेन ने उसको जज किया कि वो सॉफ्ट है या कैसे साउंड है। दिस कॉज वाइब्रेशन इन साइड अवर ईयर एंड सेंड अ मैसेज टू ब्रेन। दस वी हियर साउंड और मैसेज ब्रेन तक पहुँच जाता है और फिर हमें सुनाई देता है। वी कैन ऑल्सो डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिफरेंट साउंड। हम अलग अलग साउंड के बीच में डिफ्रेंशिएशन भी कर सकते हैं। वैन द वाइब्रेशन फास्ट, बहुत जल्दी जल्दी वाइब्रेशन होती है तो हमें लाउड साउंड सुनने को मिलती है। वैन द वाइब्रेशन आर स्लो वी हियर लो साउंड।
साउंड प्रोड्यूस बाय ऑल द वाइब्रेटिंग बॉडीज आर नॉट ऑडिबल, सभी आवाज़ ऑडिबल नहीं होती, मतलब अच्छे से हमें सुनाई नहीं देती, कुछ तो बहुत ज़्यादा लो होती हैं और कुछ बहुत ज़्यादा हाई रेंज की होती हैं। दिस इज़ बिकॉज अवर ईयर्स आर नॉट सेंसिटिव टू हियर वेरी हाई और वेरी लो साउंड, इसलिए हमारे कानों को बहुत ज़्यादा साउंड और बहुत कम साउंड सुनाई नहीं देती। लाइक अर्थक्वेक से जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो कुछ एनिमल्स को पता लग पाती है, हमें नहीं पता लग पाती। अब एक है एक्टिविटी, आपने एक हैंकरचीफ लेना है, एंकी लेना है और वेरी कुछ अलग अलग चीज़ें लेनी जिनसे अलग अलग साउंड्स प्रोड्यूस हो। अब अपने पेयर्स में हो जाओ, अपने पार्टनर की आंखें को पट्टी बांध दो, अब अलग अलग साउंड्स प्रोड्यूस करो और अपने पार्टनर को बोलो कि वो रिकॉग्नाइज करे, करके देखे कि कौन सी वो पहचान पा रहा है कौन सी नहीं। अब नेक्स्ट टॉपिक है इको। इको मैंने बताया था कि जब हमें हमारी आवाज़ सुनाई देती दोबारा तो उसको बोलते हैं इको। When you shout loudly or scream in an empty room or on a mountain, what do you hear? जब अपने खाली रूम में अगर आपने जोर से चिल्लाए तो आपको क्या सुनाई देता है? You hear your own sound once again, आपको अपनी आवाज़ दोबारा सुनाई देती है। The sound of your voice hit the walls of the room or the mountain sides and bounce back, उससे क्या होता है हमारी जो साउंड होती है वो दीवार रूम की दीवारों पर हिट होती है, क्योंकि और कुछ तो होता नहीं है रूम में, अगर कोई पर्सन नहीं बैठा तो उसको सुनाई दे जाए तो या माउंटेन के साइडों पर स्ट्राइक होती है और हमें वापस बाउंस बैक हो जाती है। व्हेन द साउंड बाउंसेस ऑफ फ्रॉम टू मैनी सर्फेसिस यू हियर द साउंड मल्टीपल टाइम्स, और जब बहुत ज़्यादा सर्फेसिस से टकराकर वापस आती है तो हमें बहुत ज़्यादा आवाज़ें सुनाई को दिन मिलती हैं। दिस बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड फ्रॉम अ सर्फेस इज नोन एज एन इको, इसी को इको बोला जाता है। नाउ नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। साउंड के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, लेट्स स्टडी अबाउट टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। फर्स्ट है साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल, बेटा साउंड की जो वाइब्रेशन की जो वेव्स होती हैं ना उनको ट्रैवल करने के लिए, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचने के लिए भी कुछ मीडियम चाहिए होता है। वाइब्रेशन कैन नॉट बी क्रिएटेड इन अ वैक्यूम, अगर कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पर हवा भी नहीं है वहाँ पर साउंड नहीं प्रोड्यूस होती। Therefore, sound waves cannot travel through the vacuum. They require a medium such as air or water to travel. When a ringing alarm clock, जब alarm clock ring होता है, is placed inside an airtight bell jar, it keeps ringing and we can hear its sound. Slowly using a vacuum pump, if we remove the air from inside it through the alarm continues to ring, the intensity of sound goes on decreasing and the sound becomes fainter and then stop completely. This shows that sound needs a medium to travel. इसके लिए बेटा एक एक्टिविटी होती है, आपने नहीं करनी है वो एक्टिविटी, बट आपके सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए कि अगर आपने एक अलार्म क्लॉक को एक एयर टाइट जार में बंद कर दिया, ठीक है, अब उसमें से क्या करनी है, आपने धीरे धीरे एयर रिमूव कर देनी है वैक्यूम पंप से, ठीक है। वैक्यूम पंप से जब हम एयर को उसमें से रिमूव करेंगे ना तो सारी की सारी जो एयर है बाहर आ जाएगी और फिर उसके अंदर रिंगिंग होती रहेगी क्लॉक के अंदर पर हमें सुनाई नहीं देगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है साउंड्स ट्रैवल फास्टर इन थिकर मीडियम, अगर कोई चीज़ थिक है ना तो उसमें साउंड ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करती है। लाइक देयरफॉर साउंड ट्रैवल्स फास्टर इन थिकर मीडियम, क्योंकि उनमें वाइब्रेशन ज़्यादा होती है। साउंड ट्रैवल फोर टाइम फास्टर इन वाटर देन इन द एयर, पानी में साउंड वेव ज़्यादा जल्दी ट्रैवल होती है देन इन वाटर। द स्पीड ऑफ साउंड इन हाइएस्ट इन द सॉलिड मीडियम एंड लोवेस्ट इन गैसेस मीडियम, तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है स्पीड ऑफ साउंड और गैसेस में सबसे कम होती है। साउंड ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ 308 मीटर पर सेकेंड इन एयर, इन वाटर साउंड ट्रैवल्स एट रफली फोर टाइम्स मीन्स 1484 मीटर पर सेकेंड। अब देखो टू पेपर कप चाहिए आपको, लॉन्ग स्ट्रिंग चाहिए, अपने क्या करना है दोनों पेपर कप के बॉटम में आपने दो होल कर लेने हैं, अब उनके बीच में एक धागा बांध देना है। होल वन कप नियर योर माउथ एंड गिव द अदर टू पार्टनर, अब एक कप अपने अपने मुँह के पास रखना और दूसरा कप अपने पार्टनर को देना और उसको बोलना अपने कान पे लगाए, ठीक है, और आपने बोल के देखना, अब आप देखना कि आपको आपके फ्रेंड को सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा। रिपीट दिस प्रोसेस एंड ट्राई टू हियर व्हाट योर पार्टनर से थ्रू द कप, अब आप अपने पार्टनर को भी बोलो कि वो बोले और आप सुनाई देना और आप ऑब्जर्व करो, तो बेटा इस तरह से आपको सुनाई देगा और इसी से ही टेलीफोन का इन्वेंशन हुआ था। प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट साउंड, कौन सी साउंड हमें अच्छी लगती है और कौन सी साउंड हमें अच्छी नहीं लगती। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड अराउंड अस, सम ऑफ देम आर प्लीजिंग, सम आर सूदिंग, सम आर अनप्लीजिंग इरिटेटिंग एंड कॉज डिस्कम्फर्ट, कुछ बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है, सूदिंग होती हैं, बट कुछ हमें नहीं अच्छी लगती, इरिटेशन होती है और हमारे से डिस्कम्फर्ट होता है। द साउंड कमिंग फ्रॉम अ हारमोनियम इज प्लीजेंट वाइल दैट फ्रॉम ओल्ड मिक्सचर ग्राइंडर इज अनप्लीजेंट, हारमोनियम से जो आवाज़ आती है वो तो प्लीजेंट है पर हमारा अगर पुराना मिक्सर ग्राइंडर जो उसमें से आवाज़ आती है वो अनप्लीजेंट है। अब म्यूज़िक और नॉइस में क्या फ़र्क है, म्यूज़िक होता है संगीत और नॉइस होता है शोर।
मोस्ट ऑफ अस आर फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, हम में से बहुत है जो म्यूजिक के शौकीन है। इट मेक्स अस फील गुड एंड रिलैक्स, इनसे हमें फील होता है रिलैक्स और गुड फील होता है। नो ओकेजन और सेलिब्रेशन इज कम्प्लीट विदाउट म्यूजिक, कोई भी ओकेजन म्यूजिक के बिना खत्म नहीं होता। बट वट इज़ म्यूजिक, म्यूजिक क्या है? म्यूजिक कंटेन ऑफ रिदमिक एंड हारमोनियस साउंड्स, म्यूजिक के अंदर एक रिदम होती है, साउंड के अंदर एक हारमोनियस होता है, और जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक गिटार, सितार, तबला प्रोड्यूस साउंड वेव्स दैट आर प्लीजेंट टू ईयर। तो इन सब में से ऐसी साउंड प्रोड्यूस होती है जो हमें कानों को अच्छी लगती है। नॉइस क्या होता है? व्हेन यू हियर अ डॉग बार्किंग एट नाइट और लाउड अनप्लीजेंट म्यूजिक प्लेइंग इन द नेबरहुड, हाउ डू यू फील? जब हमें रात में को डॉग बार्किंग करते सुनाई दे जाएं या एक बहुत अनप्लीजेंट म्यूजिक प्ले हो रहा हो आपके पड़ोस में, तो आपको कैसा लगता है? यू गेट एनॉयड और डिस्टर्ब, आप डिस्टर्ब हो जाते हो। सो नॉइस क्या है? नॉइज इज सच अनवॉन्टेड एंड अनप्लीजिंग साउंड, सो साउंड दैट नॉट क्रिएट सूदिंग सेंसेशन ऑफ ईयर बट आर प्लेजेंट एंड कंसिडर एज नॉइस। ओके, नॉइस इज ऑफन हर्ड नियर कंस्ट्रक्शन वर्क एरिया में भी या रेलवे स्टेशन में भी नॉइस सुनाई देता है। अब नॉइस पोल्यूशन क्या होता है? नॉइस जनरेशन इज एसोसिएट विद मोस्ट ऑफ अवर डेली एक्टिविटीज, हमारी बहुत सारी डेली एक्टिविटीज है जिनसे नॉइस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, लाउड साउंड कैन डैमेज अवर ईयर एज वेल एज ब्रेन, बहुत ज़्यादा लाउड अगर हम साउंड सुनेंगे तो हमारे कान और दिमाग में भी प्रॉब्लम हो सकती है। द अनवॉन्टेड नॉइस प्रोड्यूस बाय मोटर व्हीकल्स, मशीन्स और ह्यूमन बींग्स दैट डिस्टर्ब द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड नॉइस पोल्यूशन। जो अनवॉन्टेड नॉइस होता है हमारे मोटर व्हीकल्स से, मशीन से या ह्यूमन बींग्स की मशीन से, किसी से भी प्रोड्यूस होता है तो वो इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करे, उसको बोलते हैं नॉइस पोल्यूशन। अ लॉट ऑफ पीपल हु वर्क इन इंडस्ट्रीज सच एज सीमेंट और स्टोन क्रशिंग इंडस्ट्रीज और सफर फ्रॉम हियरिंग लॉस, जो लोग इंडस्ट्रीज वगैरह में काम करते हैं जहाँ पर बहुत सारा शोर होता है तो उनको सुनने में प्रॉब्लम आती है। दे आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज सॉफ्ट साउंड बिकॉज दे आर रियल ऑलवेज एक्सपोज टू वेरी हाई नॉइस लेवल इन देयर, उनको धीरे सुनाई नहीं देता क्योंकि उन्हें हर टाइम ज़्यादा सुनने की, लाउडली सुनने की आदत हो जाती है। The noise created during an aeroplane takeoff also contributes to noise pollution. जब aeroplane takeoff होता है तब भी बहुत ज़्यादा noise pollution create होता है। Now, अब noise pollution के कारण क्या हैं और noise pollution से रोका कैसे जा सकता है? कारण है इसके एक्सेसिव यूज़ ऑफ हॉर्न्स, व्हीकल्स में बहुत ज़्यादा हॉर्न्स बजाते हैं, कई अननेसेसरी हॉर्न भी ब्लो करते हैं, लाउड म्यूजिक और लाउड स्पीकर जो वेडिंग और फंक्शंस में होता है। ठीक है, नॉइज़ फ्रॉम मशीन लाइक जनरेटर से जो आता है या सायरन में से, और ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स पटाखों के बजने से भी। अब इसके इफेक्ट क्या है? इट रिड्यूसेस द कैपेसिटी टू हियर, ये सुनने की कैपेसिटी ख़त्म करता है। इट इफेक्ट ओल्ड पीपल एज दे आर एबल टू स्लीप एंड फॉल अस्लीप, क्योंकि ऐसे ये बुजुर्गों को तंग करता है क्योंकि बुजुर्ग लोग होते हैं वो सो नहीं पाते ढंग से और वो बीमार हो जाते हैं। ये कंसंट्रेशन इन वर्क और रीडिंग को कम करता है, कंसंट्रेशन बढ़ाता है, और ये बर्ड्स और स्मॉल एनिमल्स को भी डराता है और उन्हें फोर्सली अपने घर छोड़ने पड़ते हैं। अब इसको रोका कैसे जा सकता है? बाय लिमिटिंग द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर, आस पड़ोस में लाउड स्पीकर का यूज़ लिमिट करो, हॉर्न्स का यूज़ लिमिट करो, अवॉइडिंग स्पीकिंग इन लाउड वॉइस फॉर कम्युनिकेशन, बोलने के लिए हमेशा धीरे बोलो, बाय प्लांटिंग ट्रीज बना दो रोड साइड पर, वो भी साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ऑडियो सिस्टम की वॉल्यूम कम करो, और फैक्ट्रीज को जहाँ पर लोग रहते हैं उनसे दूर बनाओ थोड़ा। ओके, नाउ योर चैप्टर इज़ ओवर स्टूडेंट्स, ट्राई टू सॉल्व इट्स बुक वर्क। Thank you.